भागते देखिए, मैं इस फिल्म भागते रहो के सभी कलाकारों को और सभी इसके जो डायरेक्ट कर रहे हैं, प्रफुल्ल तिवारी जो मेरे बहुत ही जानकार सुनील तिवारी हैं, उनके छोटे भाई हैं जो कई सालों से मेरे साथ जुड़े हैं, शक्तिमान के पहले से, महाभारत के भी पहले से जुड़े हुए हैं। और मैं इस फिल्म में काम नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं था, मैं चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी में ज़्यादा बिजी था। ये फिल्म एक बहुत ही एक ज़रूरी टाइटल है जो आज की ज़िंदगी को बताता है कि कुछ नहीं हो तो भी भागते रहो। मतलब आपको पता नहीं क्यों भागना है, पर सामने वाला आदमी भाग रहा है तो मुझे भी भागना चाहिए। हो सकता है कि उसको कुछ मिलेगा तो मेरे को नहीं मिलेगा, तो वो भी भागता है, भागता है, भागता है। आज के बच्चों को मैं खासकर बोलता हूँ, मत भागिए, रुक जाइए, अपने आप को देखिए, अंदर देखिए। बट सब लोगों को डर रहता है कि कुछ मिस करेंगे, वहाँ पहुँचते तो मालूम पड़ता है पता ही नहीं किसके लिए आए हैं यहाँ पर। सो दिस इज़ रियल लाइफ। और इस कहानी में कॉमेडी है, इस कहानी में जो कैरेक्टर्स हैं जिनको भागना पड़ता है किस चीज़ में, तो कॉमेडी है, ये है। तो मैं अपनी तरफ से आशीर्वाद दूंगा, 100% आजकल की फिल्में आजकल के लोगों के हिसाब से ही बन रही हैं, आजकल के लोगों को अपनी कहानी समझ में आती है। इसमें कॉमेडी के थ्रू में आजकल आप बहुत कुछ यथार्थ बात कह जाते हैं। तो मैं विजयी भव का आशीर्वाद देना चाहूँगा उनको। शक्तिमान आने वाला है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, हर बच्चा मुझसे पूछता है किलविश कब मरेगा, मुझे आगे किलविश को मारना है तो मैं आऊँगा जल्द। ओके, थैंक यू। थोड़ा नीचे करेंगे क्या, सामने देखिएगा सर, कुछ हम भी देख लें। एक छोटा गुरु बोले सर, थैंक यू सो मच। छोटा गुरु, अभी कोई पार्टी कभी छोटी नहीं होती पुत्र, अभी कौन छोटा है? ओके, चलो रख अपने पास। Anything about actors' performance you are looking forward or? Rajpal Yadav, Sunil Pal, and who else was there? All the actors. It should be a great success. आप लोग इस वक्त अगर आप बैठ जाओ अभी इलेक्शन नहीं है। आप इस वक्त भागते रहो कि इस फिल्म के इस ट्रेलर लॉन्च में हम हैं। अगर मैं कहूं कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य साथ में हैं, या ये कहूं कि शक्तिमान और किलविश साथ में हैं, आपको जो पसंद आए समझ लीजिए, क्योंकि ये आदमी द्रोणाचार्य के रूप में अच्छा था और किलविश के रूप में पर शक्तिमान वही है, भीष्म पितामह वही है। मैं इस फिल्म के लॉन्च में फिल्म वालों को, जिन्होंने फिल्म बनाई है, जिन्होंने मेहनत की है, सभी एक्टरों को जो इस फिल्म में भागते जा रहे हैं मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। प्रफुल्ल ये बहुत ही काबिल डायरेक्टर है और टीवी सीरियल से मेरे साथ 25 सालों से जुड़ा हुआ है। मार्शल में थे तुम, अधिकारी ब्रदर्स के साथ जब मैंने मार्शल की थी उस वक़्त ये मार्शल में था, और ये इनके भाई हैं सुनील तिवारी, जिनके साथ मैंने एक सीरियल बनाई थी जिसका नाम देवता था, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा थे, और एक फिल्म शुरू की थी हमने जो नहीं बन सकी आगे, पैंथर। या तो वो इनके भाई हैं, और मैं समझता हूँ कि अच्छी फिल्म बनाई होगी इन्होंने, क्योंकि मैं इस फिल्म को जुड़ नहीं सका एज एन आर्टिस्ट। इन्होंने मुझे अप्रोच किया था, लेकिन मैं उस वक्त चेयरमैन CFSI में मैं बिज़ी था, तो मैंने कहा मैं आपके साथ हूँ, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, और ये मेरी शायद आवाज़ भी इस फिल्म में अपने साथ रखना चाहते हैं। सो मेरा आशीर्वाद है प्रफुल्ल के ऊपर, सक्सेसफुल बनो, क्योंकि आज के ज़माने की फिल्म बनाई है इन्होंने। हाँ जी, कुछ इस फिल्म के डायरेक्टर, इस फिल्म के प्रोड्यूसर सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा इनकी फिल्म दिल दुगनी
राज चौगनी तरक्की करे और बहुत बड़ी सुपर हिट हो. इसके अलावा और मैं क्या कह सकता हूँ, विश हिम ऑल द बेस्ट. पवन सर कहेंगे जी. पवन जी बोलिए. पवन जी भविष्यवाणी कीजिए. भविष्यवाणी मेरी भविष्यवाणी यही है कि फिल्म सफल होगी, आसाती सफलता प्राप्त करेगी. और जब स्वयं भीष्म पितामह ने और आचार्य द्रोण ने आशीर्वाद दे दिया तो उसमें कोई संदेह ही नहीं कि सफल होगी ही होगी. योगेश जी बोलिए आप. योगेश जी बोलिए सभी इस फिल्म के बारे में. योगेश लखानी जी पोस्टर लगाएंगे जितने भी फिल्म में वो ब्राइट हो जाती है. बिल्कुल बिल्कुल. योगेश जी जिस फिल्म में आते हैं वो फिल्म ब्राइट हो जाती है. जी जी ब्राइट हो जाती है. और अपनी खुद और जब ब्राइट होती है तो वो उजाले की तरफ आती है, किल्विश की अंधेरे की तरफ. खुद की एडवर्टाइजमेंट की है जिन्होंने अभी अभी. ब्राइट किया बिल्कुल सालों से जानता हूं. मेरे को जरूरत नहीं हटगा लेकिन फिल्म का ब्राइट. बिल्कुल बिल्कुल जी. देखिए जिस तरह से इस फिल्म के किरदार भाग रहे हैं, आप लोगों को भी नजर आ रहा होगा कि इस तरफ राजनीति के मंच पर सब लोग भाग रहे हैं. पता नहीं कहाँ जाना है लेकिन वो भी भाग रहे हैं. भागते रहो पकड़ लो, कहीं वोट जाना नहीं चाहिए. तो ये बहुत ही डेफिनेटली एक बहुत ऐसी जगह पर हमारा देश आया है जहाँ पर राजनीति जो है हस्तिनापुर की राजनीति से भी ज़्यादा खराब हो गई है. मैं ये कहना चाहता हूँ मैंने कभी नहीं सुना कि आरएसएस ने कहा कि प्रणब मुखर्जी पीएम बनेंगे. ये आप लोग सामना भी कर देते हो, आप लोग छुप भी जाते हो, आप लोग जो भी चाहो पेपरों में लिख देते हो, आप लोग ही कहानियां बनाते हो, आप लोग ही मुखड़े बनाते हो, कभी सहिष्णु बना देते हो, कभी आप लोग सांप्रदायिक वर्ड निकाल देते हो, कॉइन करते हो. सो मैं समझता हूँ कि देश की जनता को नरेंद्र मोदी से ज़्यादा कोई अच्छा प्राइम मिनिस्टर नहीं मिल सकता. अगर मोदी जी के टाइम पर हमारे देश का कुछ नहीं हुआ तो आने वाले 50 सालों में कुछ भी नहीं होगा. पुत्र कोई लीडर नहीं है. आप देखिए कौन सामने बैठा हुआ जो इस तरह की बात सोच सकता है कि टॉयलेट बनाया जाए. सोचा किसी ने आज तक कि स्कूल के बच्चों को टॉयलेट नहीं होता? सिर्फ आप खड़े हो जाते हो आप लाल किले पर, अगली बार पाकिस्तान ने हम पर हमला किया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, यही कहते आ रहे हो आप 50 सालों से. एक शख्स आया है जिसने एक राह दिखाई है. अब राह में रोड़े बहुत होते हैं, ये किलविज के बाशिंदे भी होते हैं, शकुनी के भांजे भी होते हैं. तो प्रोग्रेस कितनी हुई उसमें मत आंकिए. सोचिए कि सामने कोई लीडर बैठा है जो मोदी जी की तरह सोच सकता है, माफ करना कोई नहीं है. इसलिए वोट कैसे बटेगा मुझे नहीं मालूम. ये बेशर्मी की तरह से ये सारी पार्टियां एक तरह जुड़ गई हैं. पिछले दिन मैंने किसी चैनल पे कह दिया कि बेशर्मी से जुड़े हैं तो कांग्रेस वाले खड़े हो गए. सर आपको कैसा हक पड़ता है कि आप हमें बेशर्म कहें? मैंने कहा मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, आपको लेना है तो मत लीजिए. पर इससे ज़्यादा बेशर्मी क्या होगी कि जिसको आप गाली दे रहे हो, जिसके साथ आपने झगड़े किए हैं, सिर्फ गोली नहीं मारी होगी शायद, पर जिस तरह के आपने वर्ड्स के दागे हैं उनको आप कहते हो चलो आई मिल हाथ मिला लेते, चलो मिल लेते हैं, चलो मिलते हैं थोड़े टाइम के लिए मिल लो, बस इस शख्स को हराना है. देश का कोई फायदा नहीं सोच रहा. इस शख्स जिसका नाम नरेंद्र मोदी है उनको हराना है, बस उनका यही लक्ष्य है. आगे करोगे क्या आप? उनकी कुर्सी को हटा के बैठ जाओगे फिर देश 50 साल तक आपको देखेगा क्या कर रहा है बताओ, आपको पता नहीं होगा. माफ कर सर. देखिए देश को चलाना बहुत मुश्किल है. ये भारत देश है, ये इतना आसान नहीं है. 4 साल दिए आपने दूसरी पार्टी को, 50 साल दिए आपने. पेट्रोल के प्राइस उस जमाने में भी ज़्यादा थे. आज अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं ये कर दूंगा, अगर मेरे बीच में अगर किलविश के बाशिंदे आ जाते हैं, अगर शकुनी के भांजे आते हैं, तो मेरी स्पीड ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे होगी. तो ये पेट्रोल की वजह से सरकार मत चूज़ कीजिए. आपका 50 पैसा कम हुआ तो मैं आपको दूंगा, आपने 1 पैसा कम किया तो वोट नहीं दूंगा. दिस इज़ नॉट अप्लाई योर माइंड. सोचिए बहुत कुछ. मैं समझता हूँ लोगों ने नुकसान बहुत कुछ तकलीफें नोटबंदी में भी उनको हुआ है, बहुत कुछ उन लोगों को जीएसटी में भी हुआ होगा, बट कहीं ना कहीं कड़वी दवाई खानी पड़ती है. उसके बाद में शायद मैं समझता हूँ बीमारी हटेगी. देर हो रही हुई होगी शायद, कहीं ना कहीं देर हुई होगी, बट कारण बहुत है. सर एक आखिरी सवाल है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है मुंबई में और 2 साल का लड़की की मौत हुई चेम्बूर इलाके में, तो आप क्या देखते हैं बीएमसी विफल रही और जो मेयर है उसको सैक कर देना चाहिए? मेरा मुंह मत खुला पुत्र, तुम जानता है मैं बोल जाता हूँ. मैं यही कहूँगा कि हमारे मुंबई जिसको कहते हो इसकी कॉरपोरेशन
आई थिंक रिचेस्ट कॉरपोरेशन इन द वर्ल्ड है या पता नहीं मेरे को, लेकिन बहुत रिच है। और मैं कहूँगा कि जितना लेट उन्होंने किया है शायद किसी ने नहीं किया होगा। सड़कें बनती हैं टूटने के लिए बनती हैं। कॉन्ट्रैक्टर को फिर से मेरा बस चले तो मैं इनको कहूँ जिसके खड्डे फिर से आए हैं उसको बनाइए बिना पैसे से। तो ये हर साल जो बारिश हंगामा करती है वो तो करने वाली है, पर आपने क्या किया है? आज आप जिसको कहते हो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है उसका नाम हाईवे से चेंज कर दीजिए, वो हाईवे से भी क्या, वो एक नॉर्मल वे से भी बदतर हो गया। गोरेगांव में आप अटकते हो, हर साल अटकते हो, किसी ने नहीं सोचा कि क्या किया जाए। सो कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही। मैं ये साफ कहता हूँ कि हमारे यहाँ पर अगर हर आदमी ईमानदार हो जाए देश हमारा सुपर पावर बनेगा। पर माफ़ करना, ईमानदारी आजकल बहुत महंगी हो गई है। कोई ईमानदार बनना नहीं चाहता, चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो नेता हो। ईमानदारी वर्ड जो है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। तो कॉरपोरेशन को भी ईमानदारी के लिए लेक्चर मिलना चाहिए कि प्लीज़ ईमानदारी से करिए और हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। बच्चे मरते हैं, कभी कोई ये प्रॉब्लम आता है, पानी से पूरे का पूरा बम्बई अटक जाती है। तो यू आर राइट, मैं आपके साथ हूँ कि कॉरपोरेशन वालों को, आप लोगों को सवाल पूछना चाहिए, मुझसे मत पूछिए, आप उनसे पूछिए। मैं तो सबसे पहले अपने सभी मीडिया फ्रेंड्स को, अपने कॉलिग्स को, डायरेक्टर सर को और मेरी को एक्ट्रेस को, सबको बोलना चाहूँगा सबसे पहले सॉरी, आई रियली अपोलोजाइज, मैं लेट हो गया क्योंकि अब सरकमस्टांसेस क्या थे बता नहीं सकता, बट वो क्या है ना कि राजेश खन्ना का मैं शायद बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ शुरू से, तो इसलिए मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है रे, तो प्लीज़ माफ़ी दे दो हमको। नथिंग, आई एम वेरी एक्साइटेड। एक्चुअली मैंने भी टीज़र नहीं देखा था, तो मैंने भी आप भी सब लोगों के साथ देखा एंड मुझे वेरी एक्साइटेड, आई एम लिटिल नर्वस बट आई एम वेरी एक्साइटेड। सो मेरा कैरेक्टर है गुनगुन का, और ये जो है ये एक बहुत ही अमीर बाप की बेटी है, लेकिन शी इज़ अ वेरी इंडिपेंडेंट गर्ल, और ऐसा कुछ नहीं है कि ये अपने पापा के पैसों को वेस्ट करते हैं या उड़ा रही है, ऐसा कुछ टाइम पास करिए, नहीं नहीं, इंडिपेंडेंट लड़की है, अपनी हॉबी है, उसी को अपना पैशन बना लिया है, कमाती है, अपनी शर्तों पे जीती है, बट ऑफ कोर्स थोड़ी एरोगेंट है, स्टबर्न है, क्योंकि पापा के प्यार ने बिगाड़ के रखा है ना। फतेह सिंह का ऐसा है कि एक इनोसेंट सा लड़का है, बेवकूफ़ है, उसके लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स है जिसका उसे भी नहीं पता है, और फिर उसकी लाइफ में एक लड़की आती है तो सारी मुश्किलों से वो आगे बढ़ता हुआ सारी मुश्किलों पे जीत हासिल करता है, फतेह पाता है, इसलिए उसका नाम भी फतेह सिंह है शायद। सॉरी, बहुत अच्छा रहा। ऐसा जैसा मैंने पहले बोला कि आई एम वेरी लकी कि मुझे प्रफुल्ल सर एज अ डायरेक्टर मिले, बिकॉज उन्होंने एक्टर्स को बांध के नहीं रखा, तो उन्होंने बोला बेटा जा, तेरा स्टेज है तो जो करना है कर। सो वी डिड अ लॉट ऑफ इम्प्रोवाइजेशन, हमारी भी बहुत सारी क्रिएटिविटीज़ में है, और ऐसा नहीं कि सर ने यू नो ऐसा बोला कि नहीं, अगर उन्हें अच्छा लगा सो ही टुक इट, और आप फिल्म में भी देखेंगे बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो हमें मालूम है कि हमने इम्प्रोवाइज किया। मतलब फ्रेंड है वो, डायरेक्टर कम फ्रेंड ज़्यादा है, और मतलब बहुत मस्ती की, मुझे कभी लगा नहीं कि मैं शूट कर रहा हूँ, पूरी फिल्म के शूटिंग के दौरान कभी नहीं लगा कि आई एम शूटिंग सीरियसली। बहुत कंफर्टेबल रखा उन्होंने हम लोगों को, एंड दैट इज द रीजन कि हमारा बेस्ट हमने किया, और आई होप आप लोगों को। सर बोलिए, सर आपकी तारीफ हो रही है। हाँ, बोल रहे ना, तारीफ पूछे तो मैं, तारीफ हो रही, आप बोलिए। बहुत अच्छा फील हुआ, डेफिनेटली ये काबिल हैं और इसलिए इन्हें लिया गया, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डेफिनेटली उन्होंने अच्छा काम किया है। नहीं, बहुत कोऑपरेटिव थे उन्होंने, और हमेशा मतलब आउट ऑफ द लिमिट जाके और मेहनत करके और अपना पैशन के साथ, मतलब अपना मैक्सिमम आउटपुट जो परफॉर्म कर सकते थे वो किया।
one more, yes madam, Yogi baby, madam, say happy birthday, madam. थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे।